और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा दिया, क्योंकि 2016 में बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहा था। शादी नहीं की है, मतलब हम लोग विदेश घूमने जाते हैं, सब करते हैं, हम लोग पूजा पाठ में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर पति पत्नी नहीं है। और 2004 से हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, 2004 से इसमें लिखा है लिव इन रिलेशन में रहते हैं, तो ये एक पेपर है जो मैंने बम्बई में पहली बार अप्लाई खरीदा था। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बनाया हुआ अपने हाथ से नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2003 में करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे रजिस्ट्री है। मेरा अकाउंट भी था जिस अकाउंट से इसमें पैसे गए थे, 16 लाख रुपए का ये फ्लैट हमने खरीदा था। तो मतलब लिव इन रिलेशन में रहने के पहले ही मैंने अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। और धनंजय मुंडे को 2005 में बच्चा हो रहा है, इसलिए कोर्ट में लिख के दे दिया कि 2004 से लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ। इतना मतलब झूठ झपेट इसने करा है। और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी खुद की पॉलिसी है 1 करोड़ की, जिसमें धनंजय मुंडे मेरे पति बोल के नॉमिनी है इसमें। ये आज नहीं करवाई है, ये 2016 की पॉलिसी है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे, ये जो मेरा पासपोर्ट है, ये देखिए पासपोर्ट तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये आज से नहीं है, ये मेरा इतना पुराना पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट पे भी जो मेरा नाम है करुणा धनंजय मुंडे है, और दूसरी बात आधार कार्ड पे भी नाम मेरा करुणा धनंजय मुंडे है, ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है शिशिर धनंजय मुंडे। उसके बाद ये सारे जो पेपर हैं, मेरे बच्चों के दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के हैं। आज बच्चा 19 साल का है, तो 19 साल में धनंजय मुंडे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बीएमसी के सर्टिफिकेट है, मेरे हाथ से बने हुए नहीं है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आज तक जो मैं छुपा के बैठी थी कि चलो जान दो कोई बात नहीं, पर नीचता की जब हद बढ़ जाती है तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं ऑथेंटिक, दोनों बच्चों के बीएमसी के सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा हाँ, पासपोर्ट भी है बच्चों के, अभी धनंजय मुंडे ने लेके छुपा के रख दिए, दे नहीं रहा मुझे वापस, पर ठीक है कब तक छुपाएगा। और पासपोर्ट में भी बच्चों के नाम और मेरे नाम, करुणा धनंजय मुंडे माता का नाम है, पिताजी का नाम धनंजय मुंडे है। अभी ये खुद एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब धनंजय मुंडे ने 2016 में मुझे पता पड़ा कि लड़का पैदा करने की कोशिश कर रही है, और जब उसकी एक और भी शादी हो चुकी है, तो ये खुद उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना के दिया। और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा दिया। और ये जो साइन आप देखेंगे, उसकी मंत्री पद की साइन है, ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश की साइन है। मुझे तो ये सब उस टाइम इतना याद भी नहीं था, फिर भी उसने अपने मन से ये साइन करके दी। अभी उन्होंने ये विल मैंने उनसे बोल के बनवाई थी, क्योंकि 2016 में बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहा था उधर की सेकेंड वाइफ से, तो इतने 45 साल का बुढ़ा हो गया था, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा। लड़का और लड़की में फर्क समझता है इतना, मतलब मंत्री लेवल का व्यक्ति और लड़का और लड़की में आज के आधुनिक युग में फर्क समझता है, और लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा था, मुझे मालूम पड़ा। तो आप ये विल पूरी पढ़ सकते हैं, ये विल कोई दौलत के लिए नहीं लिखाई गई है। इस विल में सिर्फ इतना लिखा है, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सिर्फ ये विल में इतना लिखवाया उसे कि तुम लिख के दे दो कि तुम्हारी चिता को, कल को कुछ होता है तो तुम्हारी चिता को अग्नि देने का जो अधिकार है वो मेरे बेटे का होगा, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, पहला बेटा है। तो ये विल में वो ही लिखा है, और आप देख सकते हैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और इस पे उसकी मंत्री पद की साइन जो वो मंत्री के लेटर हेड पे करता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे उसने क्लियर लिखा है करुणा धनंजय मुंडे पहली पत्नी, राजश्री धनंजय मुंडे दूसरी पत्नी। ये कोई मैं अपने घर से बना के नहीं लाई। इसके अलावा वो साइन को भी मुकर सकता है, तो ये रहा उसका अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान भी है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी यदि वो मुकरता है, तो मेरा जो गारंटर था उसका तो मैंने अभी तक कोई साइन नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि ये नौबत कभी आएगी। तो मैंने तो अपने जो क्या बोलते हैं ना, जो जिनके सामने करते हैं उनकी साइन मैंने अभी तक नहीं करवाई, पर उसका जो था, उसका जो दलाल था, उसकी साइन इसके ऊपर है।
और उसकी हर कंपनी में ये आदमी जो है कम से कम 30 कंपनियां इस व्यक्ति के नाम पे है। हमारे यहाँ स्लीपर पहन के आता था राज लंबर, तो इस व्यक्ति के नाम पे 30 कंपनियां है और ये उसकी साइन है, और धनंजय मुंडे और उसका पूरा कुंबा, उसकी पूरी फैमिली इसकी कंपनी में सब मिली भगत है, क्योंकि राजकरण में आपको मालूम है सब कुछ दूसरों के नाम पे ही रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको और भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बताती हूँ। ये धनंजय मुंडे की खुद की 2 करोड़ की पॉलिसी है, जो धनंजय मुंडे ने खुद ने निकाली है, 2 करोड़ की पॉलिसी। इस पे आप क्लियर देख सकते हैं वाइफ बोल के धनंजय मुंडे में, और ये धनंजय मुंडे की मंत्री पद वाली साइन है, जो धनंजय मुंडे मंत्री थे उस पे करता है लेटर हेड है वो साइन है, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है वाइफ, वाइफ बोल के मैं नॉमिनी, उसकी पॉलिसी में मैं वाइफ बोल के नॉमिनी।